हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस क्लास इन विच आई एम गोइंग टू टीच यू मैथमेटिक्स क्लास फोर, दैट इज़ नंबर ऑफ बर्ड क्लास फोर, यानी कक्षा चार का अंक जगह जिसकी हम आपको पढ़ाने वाले हैं वर्कबुक, और जिसका चैप्टर आज पढ़ाने वाले हैं थर्ड, जिसका नाम है संख्याओं का जोड़ अर्थात जोड़ना। और ये वर्कबुक आप क्लास फोर के स्टूडेंट हो तो लगभग स्टूडेंट को एडिशन करना आता ही होगा, तो फिर भी हम आपको एक दो क्वेश्चन कराते हैं, शेष आप इस पेज के जो क्वेश्चन है वो कर पाएंगे। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर करके दिया गया, वर्कबुक में लगभग सभी जो क्वेश्चन होते हैं उनका फर्स्ट क्वेश्चन आपको करके सिखाया जाता है कि आप वहाँ से कॉन्सेप्ट सीख के बगैर किससे पूछे भी क्वेश्चंस को कर सकते हो, तो ये एडिशन किया गया। अब यहाँ देखो, ये गोलियम नंबर लिखे हैं, ये कैरी होते हैं यानी हासिल लगती है, हासिल तभी किसी संख्या में लगते हैं जोड़ में लगती है जब किन्हीं संख्याओं का जोड़ 10 या 10 से ऊपर हो रहा हो, यानी मोर देन 10 हो तो कैरी लगेगी आपकी। जब तक आपका नंबर जो एडिशन है वन डिजिट में रहेगा, जैसे 1 से लेकर 9 तक रहेगा, तब तक कैरी नहीं लगेगी। अब देखिएगा यहाँ पर 0, 9 और 1 का एडिशन करना है, तो हम हमेशा एडिशन क्या करेंगे, बड़े नंबर के आगे छोटा नंबर गिनेंगे तो आपको जल्दी मतलब करने में आएगा, और छोटे नंबर के आगे बड़ा गिनते रहेंगे तो देर लगेगी। तो 9 में 0 का एडिशन करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी 9 ही रहेगा। अब 9 में एक एडिशन और कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 की लगेगी क्या कैरी 1, वो हमें यहाँ अगले नंबर के ऊपर लिखना है, बस इतना ध्यान रखना है। अब हमारे पास एडिशन करने के लिए 1, 2, 3, 4 डिजिट हो गए, और हमारे पास सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट जो है वो 5 है, 5 के आगे 1 गिनेंगे 6, 6 के आगे 1 गिनेंगे 7, 7 के आगे 2 और गिनेंगे तो ये हो जाएंगे 9। अब 9 में कोई कैरी नहीं, बस ये ध्यान रखना है, कैरी तब लगी जब देखो 10 एडिशन आया था, 10 या 10 से ज़्यादा दो डिजिट में जब आपका एडिशन आ जाएगा कम से कम तो कैरी लगेगी, तो 9 में कोई कैरी नहीं। अब देखिए यहाँ पर 5 के आगे 4 गिनेंगे 9 हो जाएंगे, 9 के आगे 2 गिनेंगे तो 11, 11 के हम 1 लिखेंगे और 1 ही इसमें रहेगी कैरी, तो वो अगले नंबर के ऊपर यहाँ पर आएगी। अब इसका एडिशन कर लीजिएगा, 6 के आगे 2 गिनेंगे 8, 8 के आगे 1 गिनेंगे 9, 9 के आगे 1 गिनेंगे तो 10। अब इधर कोई डिजिट है नहीं तो पूरा 10 का आप 10 यहाँ पर लिखेंगे, इस प्रकार से ये एडिशन होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, 7 के आगे 2 गिनेंगे तो हो जाएंगे आपके 9, 9 के आगे 4 गिनेंगे तो हो जाएंगे 13, 13 की हम लिखेंगे 3 कैरी 1 जो अगले नंबर के ऊपर जाएगी। अब देखिएगा यहाँ पर 3 के आगे 1 गिनेंगे 4, 4 के आगे 2 गिनेंगे 6, 6 के आगे 1 गिनेंगे 7 हो जाएगा। आप TLM के तौर पर अपने पास कंकड़ पत्थर रख सकते हैं, कोई छोटे छोटे फल आते हैं जैसे नीम के फल हैं और छोटे वृक्ष कुछ होते हैं उनके फल होते हैं, उनको छोटे छोटे जो फल हैं उनको रख सकते हैं TLM के तौर पर, जिससे आपको गिनने में आसानी हो, या इस प्रकार से इस पर लाइनें भी कर सकते हैं, उनको गिन सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 7, कोई कैरी नहीं। अब 4 + 4 = 8 और 1 = 9, कोई कैरी नहीं। और अब इनको एडिशन कर लेंगे, 3 + 2 = 5, 5 + 2 = 7, कोई कैरी नहीं। और देखते हैं इसमें, तो इस पेज के सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से एडिशन के ही हैं, तो 7 + 2 = 9 हो जाएंगे, देखो कोई कैरी नहीं, 4 + 3 = 7 हो जाएंगे, 5 + 1 = 6 हो जाएगा, 5 + 3 = 8 हो जाएगा, 4 + 2 = 6 हो जाएगा, 5 + 1 = 6 हो जाएगा, 9 + 8 = 17 हो जाएगा, 9 के आगे 8 गिनेंगे 17 हो जाएगा, कैरी लगेगी 1 तो आपके अगले डिजिट के ऊपर आ जाएगी, 5 + 1 = 6 और 6 और 4 = 10, 10 की 0 देखो फिर कैरी यहाँ पर आ जाएगी, अब की बार 4 के आगे 1 गिनेंगे 5 और एक और गिनेंगे तो 6 हो जाएगा, कोई कैरी नहीं, 6 के आगे 1 गिनेंगे 7 हो जाएगा। यहाँ पर चलिएगा, ये 3 में 0 का एडिशन, किसी नंबर में 0 का एडिशन करने पर वो नंबर आता, गलती से आप 0 नहीं लिखेंगे, 0 में 0 का एडिशन करेंगे तो 0 ही रहेगा, 3 के आगे 2 गिनेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और 5 के आगे 4 गिनेंगे तो 9 हो जाएगा, कोई कैरी नहीं, और 7 के आगे 3 गिनेंगे तो 10 हो जाएगा, पूरे कम्प्लीटली 10 लिखेंगे क्योंकि इधर अब कोई नंबर है नहीं तो कैरी नहीं लगेगी। इन द सेम वे यहाँ पर अभी 6 क्वेश्चन और बचे हुए जिनको आप इसी प्रकार से स्वयं करेंगे, हम अगले पेज के क्वेश्चन आपको बताते हैं। अगले पेज में क्या है, खाली स्थान हमको भरना है। अब देखिएगा ये 237 यानी 2370 है और उसमें 0 का आपने एडिशन किया है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर हमको इक्वल टू, ये इसमें कुछ भी करना नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना, वो ही रहेगा, यानी 0 में किसी नंबर का एडिशन करते हैं वो नंबर ही रहता है। अब अगले में देखिएगा हमको क्या करना है, जैसे ये नंबर लिखा हुआ है 43,735 और ये नंबर लिखा हुआ है 62,656, हमें देखना ये है कि जो नंबर ये वाला है वो तो इधर लिखा है लेकिन ये नंबर इधर नहीं लिखा, केवल इस नंबर को भी आप इधर देख के लिख दीजिएगा और कुछ भी नहीं करना है।
कहने का मतलब ये है, यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आप 2+3 करें चाहे 3+2 करें, एडिशन हमारा 5 ही रहेगा, वो ये बताना चाहते थे। तो हम इस नंबर में इसका एडिशन करें चाहे इस नंबर में इसका एडिशन करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट में देखिएगा, इधर भी दो नंबर दिख रहे हैं, जगह 3 है, यहाँ दो नंबर दिख रहे हैं लेकिन जगह 3 नंबर लिखने, तो कौन सा नंबर हमें उधर दिख रहा है, इधर नहीं दिख रहा है, इधर दिख रहा है, उधर नहीं दिख रहा है। देखिएगा ये नंबर हमारा यहाँ पर है, ये नंबर हमें यहाँ पर दिख रहा है, ठीक। अब ये वाला नंबर हमें इधर नहीं दिख रहा है, तो बस आप उसको इधर लिख दीजिएगा, हमने लिख दिया। अब देखिएगा ये नंबर यहाँ है ही, ये नंबर यहाँ है, ये वाला नंबर इधर नहीं दिख रहा, तो उसे उठा के आप इधर लिख दीजिएगा, केवल इतनी सी बात है। बस 3 नंबर जो इधर हैं वही उधर दिखने चाहिए, चाहे किसी भी सीक्वेंस में लिखे हों, उससे मतलब नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ भी देखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3। अब देखिएगा ये नंबर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये नंबर इधर दिखाई नहीं दे रहा, तो पहले आप 1, 3, 5, 3 को इधर लिख देंगे। अब इधर 3 हो गए लेकिन इधर भी 3 होने चाहिए, तो इधर कौन सा नहीं दिख रहा है हमको, ये वाला नंबर इधर नहीं दिख रहा, तो वो आप यहाँ पर उठा के लिख देंगे 2, 5, 6, 3। इन द सेम वे क्वेश्चन 3 और हैं, वो भी इसी प्रकार से करने हैं, हम आपको करा रहे हैं। ये नंबर देखिएगा हमारा यहाँ लिखा दिखाई दे रहा है, और ये नंबर इधर दिखाई नहीं दे रहा, तो वो आप पहले इधर लिख दीजिएगा 90213। और ये नंबर यहाँ नहीं दिख रहा है, तो उठा के आप यहाँ लिख दीजिएगा 21911। बस इतनी सी बात है, कोई एडिशन नहीं, कोई सब्ट्रैक्शन नहीं, कुछ भी नहीं। ये नंबर जो है इधर दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम इसको पहले यहाँ पूरे कंप्लीट 3 करेंगे, किसी भी साइड के आप नंबर कंप्लीट कर लीजिएगा। अब ये 3 नंबर इधर होने चाहिए, ये तो एक यहाँ है, ये नंबर हमें यहाँ नहीं दिख रहा, तो आप कहीं भी लिख दीजिएगा, किसी भी जगह, लेकिन सीक्वेंस हटा के लिख दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको यहाँ लिख दीजिएगा 40532, और इसको यहाँ लिख दीजिएगा 83245। और इसी कैटेगरी का लास्ट क्वेश्चन है, वो आप स्वयं करेंगे आपके लिए होमवर्क में, यानी आप देख कर समझ करके स्वयं भरेंगे। और ये देखिएगा एडिशन है, आप एडिशन करेंगे तो अपने आप ही आपको पता चल जाएगा हमें क्या करना है। 5+5 10 की 0 कैरी 1 7 और 1, यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है 9, तो देखिएगा 9, हाँ एक कैरी और लगेगी, यहाँ पर एक कैरी हमको लगानी पड़ी, वो कैरी नहीं, वो बन तो यहाँ पर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 9 लिखा हुआ था, हमारे पास 7, 1, 8 और एक कैरी 9 हो गए। अब ये खाली जगह हमें भरनी है, देखो कैसे भरते हैं, 7 के आगे जब 5 गिनेंगे तो 12 की 2 हो जाएगी, कैरी आप 1 लगाइएगा। अब आपको 3 और 1 4 तो हमारे पास हैं जमा में, लेकिन हमें यहाँ 5 करने के लिए यहाँ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, देखो 3 1 4 और 1 5। इस प्रकार से अपने आप ही आ जाएगा। या कैसे निकालेंगे, हमारे पास जमा में 4 हैं, 5 में से 4 को, जब 5 में से 4 को कम करेंगे या 5 में से 4 को खर्च करेंगे तो 1 बचेगा, इस प्रकार से ये भरा जा सकता है। अब देखिएगा 6+4 10 हो गया 0 कैरी 1। अब इन तीनों का जोड़ हमें 7 करना, लेकिन हमारे पास जमा में कितने हैं, 3 हैं, तो यहाँ 7 में से 3 खर्च कर दोगे तो 4 बच जाएगा, उल्टा चलिएगा आप, यानी जो हमारे पास चाहिए और जो हैं हमें चाहिए 7 हैं 3, तो 7 में से 3 खर्च करेंगे, 4 भरना चाहिए। अब देखो एडिशन कर लो, 4 2 6 और 1 7, 3 2+1 3। इन द सेम वे आप यहाँ पर देखिएगा 6+5 11 की 1 कैरी 1, 8+5 13 कैरी 1 14 की 4 कैरी 1। अब हमें यहाँ चाहिए 5, हमारे पास जमा में 4 हैं, तो इसका मतलब इसमें 1 और भर दीजिएगा, आसान है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा 4 चाहिए और हमारे पास 2 हैं, तो 2 यहाँ पर भर दीजिएगा, 2+2 4। यहाँ पर 5 आ रहा, तो किसी नंबर में उस नंबर का 0 में किसी नंबर का एडिशन करेंगे वो नंबर आएगा, यानी इसमें 5 ही भरेंगे, 5+0 5। अब देखिएगा इनका 8+5 13 की 3 कैरी 1। अब हमें यहाँ 0 चाहिए, 0 कब आएगा, यानी ये 10 होना चाहिए, 7 1 8 और यहाँ 2 होने चाहिए, देखो 10 की 0 कैरी 1। अब हमें यहाँ 6 चाहिए, हमारे पास 3 1 4 और 1 4 है जमा में, 3 और 1 4 है, हमें चाहिए 6, इसका मतलब 2 इसमें होने चाहिए। इन द सेम वे यहाँ पर देखो 12 2 आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 6+6 12 की 2 कैरी 1 और 5+2 7 1 8। अब यहाँ पर 1 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ क्या होना चाहिए, 4 7+4 11 1 कैरी 1 और 5 4 1 5 है हमारे पास चाहिए 7, यानी 2 और कर दो,
तो देखो 4 + 2 = 6 = 7। इसी तरीके से तीन क्वेश्चन और हैं, तो देखो यहाँ पर चाहिए 13, हमारे पास जमा में 9 + 2 = 11 और यानी 2 और होने चाहिए। अब ये 13 की 3 carry 1, यहाँ 3 डिजिट हो रहे पूरे। अब देखिएगा 7 + 3 = 10 और 1 = 11 और यहाँ हो रहा है 14, यानी 3 और कर दो। देखो अब ये सबका एडिशन करेंगे, 14 × 4 = 1। अब यहाँ 3 चाहिए, यानी ये भी 13 हमें करना है। तो 6 = 1 = 7 और 2 = 9 और 9 में जब 4 का एडिशन करेंगे तो 13 × 3 carry 1 आएगी आपकी, 13 की पूरी 13 लिख दीजिए। ठीक, अब इन द सेम भी आप ये 2 करेंगे। अब ये 2 आपके लिए हमने कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है, समझ पाई होगी आपने। तो उसी तरीके से आपको ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में हैं जो कि आपको स्वयं करने हैं। अब यहाँ पर देखिए वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी भाषा लिखी होगी उसे समझ के क्वेश्चन करना है कि कब हमें एडिशन करना है, कब सब्ट्रैक्शन करना है। तो वो क्वेश्चन जैसे यहाँ पर श्वेता ने 2140 रुपये की कपड़े, 3600 रुपये की अलमारी और 4978 रुपये की साइकिल खरीदी, तो उसने कुल, देखो यहाँ कुल शब्द आ गया, इसका मतलब आप ये समझेंगे हमको ये जोड़ करना है। तो देखो लिखें कैसे, कपड़े में कितना खर्चा किया, अलमारी में कितना खर्चा किया, साइकिल में कितना खर्चा किया, कुल खर्चा हमने सबका एडिशन करके रख दिया। ठीक, एक तरीके से मार्केटिंग है, बाज़ार करने जाते तो ऐसे हिसाब करना पड़ता था। ये क्वेश्चन एक इसमें किया गया था। अब जो 2 बचे हुए हैं वो हमें स्वयं करने, देखते हैं कैसे करने। शहीद के बगीचे में 607 पेड़ अमरूद के हैं, 1002 पेड़ आम के हैं और 9049 पेड़ केले के हैं, तो बताओ उसके बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं। तो आप क्या लिखेंगे, भाषा लिखनी पड़ेगी, हम लिखेंगे यहाँ पर आम के पेड़, आम के पेड़ हैं 607। ठीक है, और अमरूद के पेड़, वो हैं 1002 और केले के पेड़ 9049। इस प्रकार से हमने डिजिट के नीचे डिजिट लगाते हुए लिखा, तो आप एक ही बार में अंडरलाइन करेंगे और अब यहाँ पर लिख देंगे कुल पेड़। ये आपकी स्वयं की भाषा होनी चाहिए। कुल पेड़ के लिए हम क्या करेंगे, इनका जोड़। अब देखिएगा ये 7 और 2 = 9, 9 और 9 = 18 की 8 carry 1, 4 के सामने एक केवल कैरी है तो ये हो गया 5, कोई कैरी नहीं, 6 के नीचे सब 0 ही है तो 6 ही रहेगा और 9 और 1 = 10, यानी कुल मिला के उसके बगीचे में जो पेड़ थे वो 10,658 पेड़ उसके बगीचे में थे। इस तरीके से इस क्वेश्चन कर सकते हैं, समझते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। और देखिए लास्ट क्या है, मोहन ने 7,401 रुपये का कपड़ा, 4,677 रुपये का राशन और 2,446 रुपये का घरेलू सामान खरीदा, तो बताओ उसने कुल कितना खर्चा किया। तो हम शॉर्ट में भाषा लिखें, केवल आप लिखें कपड़ा, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं कि मोहन ने इतने रुपये कपड़ा खरीदा, वो कुछ नहीं लिखने की जरूरत है। 7401, ठीक है, और राशन, राशन कितने रुपये का खरीदा घर के खर्चा के लिए, राशन खरीदा है 4677 यानी 4677 रुपये का। ठीक, और अन्य, अन्य से मतलब अन्य घरेलू सामान, केवल अन्य लिख दें, वो खरीदा 2,446 का। ठीक, अब यहाँ पर आप केवल लिख देंगे कुल खर्चा, कुल खर्चा, तो कुल खर्चा लिखने के लिए आप एडिशन कर दीजिएगा। देखिएगा ये 6 के बन दे देंगे तो ये भी 7 7 7 14 की 4 carry 1 और 7 1 8 और 4 12 की 2 carry 1। अब देखिएगा ये 6 + 4 = 10 10 और 4 = 14 1 15 की 5 फिर कैरी 1। अब देखिएगा 7 1 8 और 4 12 और 2 14 यानी कुल मिला के जो उसका खर्चा हुआ है वो हुआ है 14,524 रुपये का। तो जो कुल खर्चा था वो था हमारा 14,524 रुपये। ठीक, तो इस प्रकार से ये चैप्टर 3 था क्लास 4 के अंक जगत का, जिसका जो नाम था वो था जोड़ना। आशा करता हूँ आपने ये समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।